तो अपना फ्रूट टाइम भी हो चुका है। पापा को अभी मैंने ये वाली फोटो दिखाई अपनी बचपन की, और पापा का गैस सही था। एक बारी पूछ पापा से, पता चल रहा है अभी भी ऐसे ही है। पापा से पूछ गैस, और ये वाली फोटो दिखा देते पहले कौन सी है। नहीं ये सही बोला। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय दिलीप ब्लॉग्स। आई होप आप सब सही होंगे, स्वस्थ होंगे। आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। तो आज फिर से एक नई सुबह हो चुकी है, और पिछली रात को पापा ने हमें सरप्राइज दिया, वो शिमला आ चुके हैं। हमें भी आइडिया नहीं था कि वो आने वाले हैं, पहले उनका प्लान आज आने का था, पर पिछली रात को ही पहुंच चुके। तो अभी फिलहाल के लिए आपको पता है कि आज सोमवार है, मैं और नेहा जाते हैं मंदिर, और नवरात्रि भी है, तो शुभ दिन है काफ़ी। फिलहाल के लिए मेरा योगा एक्सरसाइज हो चुका है, मैं घर जाता हूँ, रेडी होता हूँ, मंदिर जाते फिर उसके बाद बताते हैं आपको क्या क्या है, क्योंकि आज हमें भी आइडिया नहीं है क्या क्या होने वाला है। कुछ तो गड़बड़ है, जैसे मैंने आपको एक बार बताया था पिछले ब्लॉग में कि मम्मी पापा कुछ सरप्राइज प्लान कर रहे हैं, तो मुझे कुछ आइडिया हो रहा है कि कुछ ना कुछ चल रहा है। अब क्या चल रहा है वो हमें भी एग्जैक्टली नहीं पता है। जो भी होगा इस ब्लॉग में आपको आगे आगे पता चलेगा, उसके लिए आपको पूरा ब्लॉग देखना पड़ेगा। सबसे पहले इस ब्लॉग को मैं शुरू करता हूँ। तो आप सब लोगों को तारा माता के दर्शन, जय हो माता रानी, सब पे कृपा बनाए रखना। तो काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि अब आप जो है दर्शन नहीं कराते तारा माता के। ऐसा नहीं है, हम डेली करवाते, और आप शायद नहीं देखते होगे, स्किप करके देखते होगे शायद, इसलिए आपको नहीं दिखते होंगे। तो अभी देखो धूप इस एरिया में आ चुकी है, हमारी बिल्डिंग की तरफ भी बस धूप आने ही वाली है। तो मैं भी जाता हूँ, धूप जलाता हूँ, फिर मंदिर जाते हैं। तो नेहा अभी टेरिस पे आ गई थी, ये अपना सामान लेके। अरे अब ना थोड़ा सा रूटीन चेंज हो गया है, सुबह 7 बजे अलग है, फिर 9 बजे मेरे को एक सेशन देना पड़ता है, फिर खाना उसके बाद है, बड़ा मुश्किल है। अब दो दो घंटे बाद आपको कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा। डॉक्टर ने साफ बोला है कि आप, मैं भी अक्षय की तरह ना जैसे 3 टाइम होता था तो लेती थी, पर उन्होंने ये बोला है कि आपको 2-2 घंटे में मील लेनी है। तो कोशिश हम यही करते हैं। और पापा भी आए तो वो अभी रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि थक गए हैं वो। मम्मी बेचारे, मम्मी इतने अच्छे हैं, वो पूरे उसकी सफाई कर रहे हैं, कहते अब ना जब तक मैं आई नहीं ना तब तक स्टेयर्स की ना सफाई रह जाएगी क्योंकि तेरे को मुश्किल हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, हम कर लेंगे आराम आराम से। तो अब चलते हैं, हम लोगों ने आज मंदिर भी जाना है क्योंकि आज मंडे है। तो फिर मैंने अक्षय प्रसाद बना दिया, पूजा भी कर लिया, चलो मैं नहाता हूँ और फिर चलते हैं। ठीक है। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग बेटा। मम्मी अपने और पापा के लिए ब्रेकफास्ट बना रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर। हाँ बेटा। बना दिया? हाँ, बना रहे। आप बनाओ, तब तक हम लोग आते हैं मंदिर से वापस। ठीक है मम्मी। तो आप सबको भोलेनाथ के दर्शन। आज देखो कितने नन्हे मुन्ने भोलेनाथ के भक्त आए हुए। तो नेहा साथ में सिखा रही है कैसे करना है कैसे नहीं करना है, पर यह है कि आस्था है अभी इसी उम्र में बच्चों को। बच्चे क्विक लर्नर होते हैं, नेहा को देखा क्या कर रहे हैं, अब वैसे ही करने लग गए। देख ये वाली जो लड़की है सेम आपकी तरह कर रहे। चल अच्छी चीज़ है, सीखना चाहिए। हाँ तो पहली बार घर के बाहर हमने म्याऊ स्पॉटेड किया है और इसको कुछ खाने का दिया है, डर रहा है अभी फिलहाल के लिए। तो हम घर भी पहुँचे, ये भी हमें मिल गया। डर नहीं रहा, उसको दिख रहा है कि वो विंडो जैसी खुली होती थी वहाँ। नेहा वहाँ से अंदर तो नहीं जाता हो गए, बंद है बर अब। हेलो माऊ, खा ले बेटा खा ले। अच्छा ठीक है, मिल्क था ना तेरे पास। तो अभी हम लोग टेरिस आए हैं और अभी हमारा कुछ इस तरह का प्लान है, हमें जाना है संजौली, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि कुछ प्लान कर रहे हैं घर वाले, तो हमें हिंट तो लग ही रहा है धीरे धीरे से। जैसे मेरे घर वाले एकदम आए। हाँ तो मैं कल खुद हैरान थी। अच्छा, फिर उन्होंने बोला कि हम इतना मतलब तेरे घर भी आएंगे। फिर मम्मी ने बोला, मतलब मेरी सास ने, कि हमने उनको इनवाइट किया। पापा, मम्मी तो चलो आते हैं, पापा कभी भी नहीं आते हैं, वो पहली बार आ रहे हैं। मैं बड़ी खुश हूँ। वो सिर्फ तब आए थे जब मेरा गृह प्रवेश था ना, सोचो 1 साल होने वाली है शादी को। बिल्कुल। तो मैं बहुत खुश हूँ। अभी हम लोगों ने जाना भी है संजौली, क्योंकि मम्मी पापा बार बार बुला रहे हैं। कल भी उन्होंने बुलाया था पर कल वो फ्री नहीं हुए थे। संजौली मिलना चाह रहे हैं, मेरी कोई गिफ्ट मिले, मैं बड़ी खुश हूँ। चलो अच्छी बात है कि आपको गिफ्ट मिले तो हमें भी खुशी होगी। पता नहीं बाकी, अभी देखते हैं क्या है क्या नहीं है, क्योंकि हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मम्मी सिड्डू की तैयारी कर रहे हैं। अब आप लोग बोलेंगे सिड्डू ही खाते हैं, तो जी हम सिड्डू ही खाते हैं, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। सिड्डू ही जलता है। हाँ तो अब सिड्डू बनता है जब कुछ स्पेशल हो रहा हो। अब हमें भी कुछ आइडिया नहीं है कि स्पेशल क्या है क्या नहीं है, पर नहीं, चलो बट आई एम वेरी हैप्पी। मुझे स्पेशल स्पेशल कुछ नहीं है। मेरे पेरेंट्स को मम्मी पापा ने इनवाइट किया है, वो ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए वो ही बहुत। चलो आज सब लोग होंगे इस बात की ज्यादा खुशी है। वैसे अक्षय के कजन्स वगैरह ये सब गेट टुगेदर तो बहुत होता था, बट कभी मेरे पेरेंट्स नहीं आए थे यहाँ पे ऐसे, तो आज मम्मी पापा और उनका गेट टुगेदर होगा मेरे को लगता है। तो मैं बड़ी खुश हूँ।
समझी समझी का गेट टुगेदर। समझी समझी का। हाँ। मम्मी एक बात बताओ, इतनी तैयारी किस चीज की कर रहे हो आप लोग? मेरे मम्मी पापा ने। हाँ मम्मी उन्होंने चलो आज हमारे को मिलते नहीं है, बहुत ऐसे मिलते हैं जब हम यहाँ शिमला में होते हैं, वो गांव में होते हैं। हाँ वो आ नहीं पाते हैं, फिर हाँ। ऐसा हुआ है कि वो भी किसी काम से आए हैं, हाँ। तो फिर मम्मी पापा भी यहाँ है, तो मम्मी पापा ने सोचा कि चलो मिल लेते हैं उनसे, हाँ, वो तो फिर वैसे ही बिजी बिजी रहते हैं सारे अपने। हाँ। तो अभी राजमा भी गो रहे हो? राजमा भी करती हूँ, बाकी सिड्डू बनेंगे। हाँ। जब हम होते हैं ना बेटे पेरेंट्स का, फिर हाँ वो तो होता है, बच्चों के साथ अलग बात होती है, पेरेंट्स के साथ वो तो चीज होती है। चलो तो फिर मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। आज फिर से हमारे जाने का समय आ चुका है और अभी हम फिलहाल जा रहे हैं नेहा के मम्मी पापा को लेने। जैसा आप सबको बताया था मम्मी और नेहा ने कि नेहा के मम्मी पापा को आज डिनर पे बुलाया है, क्योंकि वो भी शिमला में ही है, मम्मी पापा भी शिमला में ही है, फिर एक आध दिन बाद मम्मी पापा ने भी चले जाना है, नेहा के मम्मी पापा ने भी चले जाना है। तो बड़ा कम ऐसा होता है कि दोनों ही यहाँ पे हो। हाँ मम्मी तो आ जाते हैं, पापा तो फर्स्ट टाइम है। चलो अच्छी बात है ये। और अभी वो लोग इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि अब जैसे समय कम रह चुका है, तो मम्मी पापा भी इसीलिए आए थे कि चलो थोड़ा सा मिल लेंगे, देखभाल हो जाएगी, वो भी स्पेशली मिलने आए। तो पिछले कल भी हम लोग ज़्यादा टाइम मिल नहीं पाए, तो आज मौका है तो अभी लेके आते हैं उनको। और पापा भी हमारे साथ जा रहे हैं, पापा रेडी हो रहे हैं, उनको भी संजौली में थोड़ा सा काम है, तो हम लोग पहले उनको ड्रॉप करेंगे, फिर देखेंगे कैसा कैसा प्लान बनता है। चले फिर, ठीक है मम्मी, ध्यान रखना। तो पापा भी आ चुके हैं, कैसे हो पापा? पापा थोड़ी सी पापा की तबीयत खराब हो गई थी तो ये रेस्ट कर रहे थे, अभी उठे हैं, अभी भी इन्हें थोड़ा काम है इसलिए उठना पड़ा, तो हो जाता है, इतने दिन से ये भाग दौड़ी कर रहे थे। में पिछले कल हमारा फंक्शन हुआ था, क्लोज हुआ था, उसमें दौड़ भाग में तबीयत खराब हो गई। तो पापा हल्के से ढीले से है और शायद पापा का गला भी खराब है थोड़ा, पर कोई नहीं, अब मम्मी घर जा रहे हैं तो पापा को रेस्ट मिल जाएगा। अभी तो आपका और भी प्रोग्राम है ना, 17-18-19 को, उसके बाद आपको प्रॉपर रेस्ट मिलेगा। चलो तो अच्छी बात है। तो हम लोग संजौली तो पहुंच चुके और पापा उतर चुके क्योंकि उन्हें यहीं पे ही काम था। तो अभी जाएंगे हम लोग नेहा के मम्मी पापा को पिक करने, तो फोन करके पता कर लो कहाँ पे। अभी उन्हें फोन करती हूँ क्योंकि उन्हें थोड़ा सामान भी लेना है। अच्छा। तो पूछ लेती हूँ कि है कहाँ पे वो। हाँ ठीक है, ये भी सही आइडिया है। तो अभी मैं आया हूँ पार्किंग में, नेहा मम्मी पापा वो तो उतर चुके हैं बीच संजौली में, क्योंकि नेहा को मे भी शायद आज कुछ गिफ्ट मिल रहा हो, मुझे भी नहीं मालूम है कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, जब वापस आएंगे तभी पूछूंगा क्या था। और आप सभी को डेंगू माता के दर्शन, जय हो माता रानी, सब पे कृपा बनाए रखना। तो अभी फिलहाल के लिए आप क्राउड दे सकते हैं, इवनिंग टाइम हो रहा है तो बढ़ते ही जा रहा है। मैं फिलहाल पार्किंग में ही वेट करूंगा, जब वो लोग फ्री हो जाएंगे तो मैं नीचे जाऊंगा। वैसे मैं गाड़ी साइड में भी लगा सकता था पर अभी थोड़ा सा समय लगेगा उनको, तो मैं सोचा कि पार्किंग में लगा देता हूँ गाड़ी। मैं पार्किंग से बाहर आ चुका हूँ और नेहा मम्मी और पापा मुझे दिखाई दे रहे हैं सामने, कुछ थके हारे दिखाई दे रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा कि लिया है इन्होंने कि नहीं, अभी मैं पूछता हूँ। गए तो बड़े एक्साइटमेंट से थे, क्या हुआ कुछ पसंद नहीं आया? गुड नाइस। हेलो मम्मी पापा, आओ जी आओ। जो मेरे को कलर अच्छा लगा था वो बिक गया है, टाइम से लेना चाहिए। ओहो चलो कोई नहीं, बैठो अभी हम निकलते हैं यहाँ से। तो हम लोग घर पहुंच चुके हैं, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मम्मी ने जो है सिड्डू की स्टफिंग तैयार कर दी है। ये है जी प्याज का, माश का, गुड़ का, भले ही कम लोग है पर कॉम्प्रोमाइज कुछ नहीं हो रहा है कहीं पे भी, पूरी डिशेस बनेगी हर वैरायटी के सिड्डू। और यहाँ पे राजमा बिल्कुल तैयार हो चुकी है। पापा तो आए नहीं मम्मी हमारे साथ अभी। अच्छा। तो वो बिजी थे, वो कहते मैं लेट हो जाऊंगा, मैं खुद आऊंगा। अच्छा। मम्मी पापा कैसा लग रहा है आपको? काफी टाइम बाद, मम्मी भी काफी टाइम बाद आए और पापा तो मेरे ख्याल से शादी के बाद अब आ रहे हैं। हाँ मम्मी तो आते रहते हैं, हम पापा को बुलाते रहते हैं आओ आओ, पर पापा आते नहीं है। चलो हमें बड़ी खुशी हुई कि आप लोग आए और नेहा को भी अच्छा लगा होगा क्योंकि नेहा सुबह से ही ऐसे बहुत ज्यादा खुश थी कि आज तो मम्मी तो ठीक है पापा भी आने वाले हैं, तो उसका उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। तो नेहा के मम्मी पापा और मम्मी बैठे हैं गप्पे मारने। और आप क्या बना रहे हो? पनीर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैं बोल तो रहा हूँ आपको रेस्ट कर लो, मैं बना लेता हूँ। पता नहीं
देखते हैं, सरप्राइज मिले पापा। तो अपना फ्रूट टाइम भी हो चुका है, पापा को अभी मैंने ये वाली फोटो दिखाई अपनी बचपन की, और पापा का गेस सही था, एक बार पूछ पापा से, पता चल रहा है अभी भी ऐसे ही हैं। पापा से पूछ गेस, और ये वाली फोटो दिखा देते पहले कौन सी है। नहीं ये सही बोला, ये मैं हूँ, ये छोटे वाला हाइट, ये दूसरी शैलजा दीदी है, हाँ ये शैलजा दीदी है, और ये छोटे जैसा मैं हूँ। ओह मैं सोचा पापा सही गेस करेंगे। मम्मी आपको, आप चलो मम्मी को तो पता लगी क्या होगा। अच्छा वाह, ये देखो तो मम्मी पापा यहाँ पे देखने लग गए हैं मेरी शादी की वीडियो, तो हमने सोचा कि तब तक यही देख लेते हैं। तो मम्मी बना रहे हैं सिड्डू, मीठे सिड्डू बन गए। अभी कौन से बनाया आपने? कितनी स्टफिंग है मम्मी? कितनी स्टफिंग है? तीन, मतलब कितने स्टफ इसके? एक मीठा, एक प्याज का, एक माश का, जो हमारे चौपाल में बनाते बनाते हैं। तो अभी मम्मी ने, अभी मम्मी माश का बना रहे हैं, उसके बाद बनाएंगे प्याज का, सबसे एंड में बनाते हो आप मीठा, ताकि वो फटे ना। तो ये मम्मी के सिड्डू है, मम्मी बहुत टेस्टी सिड्डू बनाते हैं, देखो आप। बन गए सिड्डू, तो मम्मी ने बोला है कि चेक करना है। वाह क्या बात है, बहुत ही बढ़िया मज़ेदार और शानदार सिड्डू अपने तैयार हैं। तो अभी राइस डाल रहे हो, भूख भी लग चुकी है, पापा अभी तक नहीं पहुँचे, तो हम लोग पूजा कर लेते हैं तब तक, फिर उसके बाद देखते हैं, फिर खाएंगे भी, क्योंकि सबको ही भूख लग गई होगी शायद अब। हाँ गाइस, फिर करें डिनर की तैयारी शुरू। तो कैसे बने हैं सिड्डू पापा, खा के तो देखो, तो खाओ ना फिर। किसका वेट कर रहे हो आप? पापा को टाइम लगेगा, आप खाओ माश के सिड्डू, मम्मी बहुत टेस्टी बनाते हैं। मम्मी ने तो खाया, पापा तो पहली बार खा रहे हैं। तो मैं आपको, हाँ मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये है जी पूरा सिड्डू जो माश का है, इसके अंदर स्टफिंग देखो, बहुत ही सही और मेरे फेवरेट है, तो मैं तो खाऊंगा, मैंने पूरा सिड्डू लिया है। नहीं मैं तो प्याज का खाऊंगी, मेरे को माश का पसंद नहीं है। तो डिनर के बाद ये क्या इंतजाम हो रहा है, वाह। खाना पीना हो चुका है, अब गिफ्ट की बारी है, जिसके लिए मैं सिंजौली उतरी थी, लाल चूना। अच्छा जिसका चूना आपने मम्मी पापा को आज लगाया है, किस बात? हाँ किस खुशी में लगाया है भी पूछा जाए। देना था मुझे कि चलो मैं पहली बार शादी के बाद यहाँ के घर जा रहा हूँ, मतलब ठीक है फिर लेना है तो मैं खुद ही आ जाती हूँ, अपनी पसंद का ले लेती हूँ। तो हमें भी दिखाओ क्या लिया है आपने ऐसा विशेष आज। थैंक यू मम्मी पापा। क्या बात है, वेलवेट का है? हाँ वेरी गुड, कलर अच्छा है ना? हाँ एक कलर और था इसमें पर ये वार्म होगा है ना, काफी सर्दियों के लिए काफी अच्छी आइटम रहने वाली है। मम्मी को भी दिखा, मम्मी बेचारे आ रहे मम्मी आपके पास, दुपट्टा भी काफी अच्छा है, काम भी अच्छा हुआ है दुपट्टे में। हमें को एक आइडिया है, अगर इसको और हैवी सूट बनाना हो तो कैसे बना सकते हैं, वो मैंने सीखा हुआ है। हाँ ठीक है, ये पहले इतना हैवी है, बहुत बढ़िया सूट है। ऐसे आते रहे मेरे घर। रोज रोज आते रहे हर महीने। मम्मी को भी दिखा दे, मम्मी कैसा लगा आपको बता भाई? कलर भी अच्छा लगा, नहीं अच्छा है, कलर यूनिक है, वरना एक ना मरून कलर का भी था इसमें शायद, है ना? मैंने देखा है सूट कहीं भी मरून कलर का भी है इसमें। ऐसा होता है ना कि साल में एक बार देते हैं बेटी को, तो अब मैं तो कीत जाऊंगी नहीं, तो अभी मौका था तो अपने पसंद का सूट ले लिया। ठीक है आपने, अभी काम आ जाएगा, क्या पता आगे आएगा ये काम। हाँ देखा मम्मी, चूना चूना लगा दिया इसने। मम्मी पापा से तो हमेशा ही रहता है लालच, पता नहीं मना भी नहीं करती है मम्मी पापा को लड़कियाँ। क्यों करेगी, जब आ रहा है तो आने दो। साथ में हमारे रूम में चला हुआ है कुछ काम, जो शादी की पेन ड्राइव है उसको कॉपी करना है। लैपटॉप के हाल देख सकते हैं कितना खराब है, बहुत ही धीमा दिख रहा होगा क्योंकि इसकी स्क्रीन खराब हो चुकी है, पर चलो कोई बात नहीं,
करना तो पड़ेगा क्योंकि पेन ड्राइव जो है मम्मी पापा को लेके जानी है, तो हम इसको हार्ड डिस्क में डाल रहे हैं ताकि अपने पास भी मेमोरीज के रूप में रहे, क्योंकि पेन ड्राइव का कोई भरोसा नहीं, कभी भी करप्ट हो सकती है। दिख रहा है? मेरे को नहीं दिख रहा, मेरे को लग रहा है हुआ ही नहीं है एक्चुअली आपकी। और आपने ना फोल्डर बनाया ना कुछ, सीधा ही पेस्ट कर दिया। वो डिलीट करो ना पहले वाली। अगर आपका काम कंप्लीट हो गया हो तो वॉक करने चले। तो आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा, पता ही नहीं चला कब ख़त्म हो गया। और काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि आपके यहाँ गोद भराई नहीं होती, तो हमारे यहाँ नहीं होती। तो मम्मी पापा ने सोचा कि चलो गोद भराई नहीं है तो आशीर्वाद के लिए नेहा के मम्मी पापा को भी बुला लेते हैं, और मम्मी पापा भी थे यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा लगा। और अब डिनर भी हो चुका है, टाइम आ चुका है अपने वॉक का। हाँ, अब वॉक भी करते हैं क्योंकि सिड्डू खाए हैं। हाँ, तो पर चलो मम्मी का नहीं, मैंने जैसे बोला पापा का, वो आते नहीं है। पता नहीं इस बेबी की खुशी, बेबी की वजह से आए, जो भी आए मुझे नहीं पता, बट वो आ गए, थैंक यू सो मच। और जो गिफ्ट का था वो मजाक था, वैसे ही होता है कि पापा ने सोचा होगा कि चलो मैं, मुझे देना है कुछ, तो वो वैसे ही मेरे को उन्होंने संजौली बुला दिया, तो मैं कहा चलो आ जाती हूँ, तो मेरे को वैसे पसंद आ गया तो मैंने ले लिया। वैसे हमारे साथ ये होता है कि साल में एक बार बहन बोलते हैं उनको कुछ ना कुछ दिया जाता है, या पैसे, सूट, तो पापा ने बोला कि चलो अब तो मैं भी बहन हूँ ना, अब तो मेरी शादी हो गई है, तो साल में एक गिफ्ट मिल जाता है। तो ध्यान के मजे है, मैंने एक चीज देखा है, गाँव में भी जाओ तो ध्यान को बहुत कुछ मिलता है ना। हाँ, वो तो आप लोगों को हमने बहुत, पर चलो अब वॉक करते हैं, उसके बाद फिर थोड़ी देर में मतलब पापा के साथ भी बैठते हैं, क्योंकि सुबह तो वो लोग चले जाएंगे, तो सुबह भी हम लोग को मार्केट जाना है उनके साथ, क्योंकि उनको थोड़ा सामान लेना है, तो उसके लिए उनको मेरी हेल्प चाहिए। तो मैं कहा चलो कल हम आपके साथ आ जाएंगे, क्योंकि परसों तो वो गाँव चल जाएंगे। तो अपना डिनर तो हो चुका है, और अभी मैं और नेहा है वॉक करने। तो आज सिड्डू जो है ना काफी हैवी हो गए थे, तो मैं और नेहा ही आए अभी फिलहाल वॉक करने, बाकी सब नीचे ही वॉक कर रहे थे। और अभी पता चला कि उज्जवल भी आया है, और उज्जवल को हम खाने पे बुला रहे थे, तो उज्जवल ने कहा कि खाने का इंतजाम हो चुका है। हाँ, हमें पहले पता नहीं था ना, हमने बाद में देखा है, तो हमें बताया भी नहीं उज्जवल ने कि वो आ रहा है। हाँ, नहीं तो उसको पहले ही इन्वाइट कर लेते। तो धीरे धीरे अब दिलाई निवास फिर से भरने लग रहा है, अब धीरे धीरे और भी लोग आएंगे। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि इसी के साथ, इसी नोट पे अब इस ब्लॉग को भी यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा, और नेहा काफ़ी खुश है कि इसके मम्मी पापा आए और एक गिफ्ट भी मिला है। मुझे तो नहीं मिला, नेहा को मिला, मम्मी बनने वाली है, तो शायद मे भी पापा का था कि इस खुशी में दे देता हूँ। शादी के बाद अभी आए तो उनके मन में था कि जब भी मैं जाऊँगा नेहा के घर फिर से तो सूट दूंगा। तो अब मैं सोच रहा हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, मिलूंगा कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक, शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए दिलीप ब्लॉग्स, जुड़े रहिए ब्लॉग्स के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।